एक्सरसाइज 14.5 में क्या कह रहा है ये देखते हैं। एक्सरसाइज 14.5 में कह रहा है सो डेट द स्टेटमेंट पी इफ एक्स इज अ रियल नंबर सच डेट एक्स क्यू प्लस 4x इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज 0 इज ट्रू बाई डायरेक्ट मेथड, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो आइए इसको देखते हैं और करते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट का पहला पार्ट है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इफ एक्स इज अ रियल नंबर सच डेट एक्स क्यू प्लस 4x इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज 0 इज ट्रू बाय डायरेक्ट मेथड से हमें शो करना है। यहाँ लिखेंगे एक्स क्यू प्लस 4x इज इक्वल टू 0 और इसको x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 4 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। x इज द एलिमेंट ऑफ r। तो ये डायरेक्ट मेथड से हमको मिल चुका है। तो डायरेक्ट मेथड से इस हो गया। अब उसके बाद मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से शो करना है। यहाँ लिखेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर भी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में सिंपली हो जाएगा लेट x इज नॉट इक्वल टू 0, मान लिया कि x 0 के इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा एंड लेट इट बी x इज इक्वल टू p और p क्या है, p क्या है एलिमेंट ऑफ r एंड p इज अ रूट ऑफ x क्यू प्लस 4x इज इक्वल टू 0। देयरफोर ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू प्लस 4p इज इक्वल टू 0। तो p हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा p इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ हमने पहले ही मान रखा था कि x जो है p के इक्वल है और x जो है 0 के इक्वल नहीं है तो p भी 0 के इक्वल नहीं होगा। p इज नॉट नॉट इक्वल टू 0 लेकिन आल्सो पी स्क्वायर प्लस 4 इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक तो 0 के इक्वल होगा ही, ये तो 0 के इक्वल है ही नहीं और ये भी माने थे जो इस अनुसार ये भी 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो हमने माना था वो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन पड़ रहा है कि हमने इसको मान के चला था कि 0 के इक्वल नहीं जबकि हकीकत में 0 के इक्वल आ रहा है। तो ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव हो गया। अब आते हैं थर्ड मेथड है इसमें मेथड ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। मेथड ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव में देखिए क्या कह रहा है आपसे कि यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू 0 इज नॉट ट्रू, मानते हैं कि ट्रू नहीं है एंड एक्स इज इक्वल टू पी इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर पी क्यू प्लस 4p, पी क्यू प्लस 4p चूँकि x इक्वल टू पी माने तो पी क्यू प्लस 4p इज इक्वल टू 0 और p बीइंग द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0 ये होगा। फिर यहाँ लिखेंगे और पी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ आगे लिखेंगे नाउ पी इज इक्वल टू 0 आल्सो पी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0 इफ पी इज नॉट ट्रू। कॉन्ट्रा पॉजिटिव पी इज नॉट ट्रू देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0 इज द रूट ऑफ एक्स क्यू प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो ये मेथड एक बार फिर से रिपीट करूँगा मैं कि लेट x इज इक्वल टू 0 इज नॉट ट्रू, माना कि x इज इक्वल टू 0 सही नहीं है तो x इज इक्वल टू p इज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब ये होगा एंड देयर फॉर पी क्यू प्लस 4p इज इक्वल टू 0 पी बिंग द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0 और p इंटू पी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 ये चीज़ को यहाँ लिख दिया p कॉमन करके। तो या पी इक्वल टू 0 होगा आल्सो पी स्क्वायर प्लस 4 ये 0 होगा लेकिन वास्तविकता में पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 4 0 के इक्वल नहीं है, ये पी इज नॉट ट्रू अगर पी सही नहीं है तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0 इज द रूट ऑफ एक्स क्यू प्लस 4x इक्वल टू 0। तो यही हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या हमसे कह रहा है।
सेकंड क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है सो डेट द स्टेटमेंट फॉर एनी रियल नंबर ए एंड बी ए स्क्वायर बी इम्प्लाइज डेट ए इज इक्वल टू बी इज नॉट ट्रू बाय गिविंग अ काउंटर एग्जांपल। इसको काउंटर एग्जांपल से हमें दे करके साबित करना है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पेज से करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आ गए चुके हैं हम लोग। यहाँ पर सिंपली चूंकि कह रहा है कि सो डेट द स्टेटमेंट फॉर एनी रियल नंबर्स ए एंड बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इम्प्लाइज डेट ए इज इक्वल टू बी इज नॉट ट्रू बाय गिविंग अ काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल से देखें तो ये सही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू वन कॉमा बी इज इक्वल टू माइनस वन कॉमा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए जो है बी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हियर द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। गिवन स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सो डेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। पहला पी में कह रहे हैं इफ एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज इवन देन एक्स इज आल्सो इवन। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लेट सिंपली लेट एक्स इज नॉट इवन, मानेंगे कि इवन नहीं है। दैट इज एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर देयरफॉर फोर एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस वन दिस इज इक्वल टू फोर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज ऑड। तो फिर ये ऑड होगा। यहाँ लिखेंगे दैट इज इफ क्यू इज नॉट ट्रू then p is not true is proved। Now again hence the given statement is true। यही आंसर हो गया। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कह रहा है by giving a counter example so that the following statements are not true। सो कीजिए कि स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला क्या कह रहा है पी इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रेंगल आर इक्वल देन द ट्रेंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। फिर साइड से बात है कि सारे एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो ये तो पहले ही गलत है, लेकिन हमें इसको शो करके दिखाना है। तो इसमें लिखेंगे कि लेट एन एंगल ऑफ ट्रेंगल बी 90 डिग्री प्लस अल्फा। माना कि जो एंगल ऑफ ए ट्रेंगल हो 90 डिग्री प्लस अल्फा है। देयरफॉर सम ऑफ एंगल्स थ्री टाइम्स ऑफ 90 डिग्री प्लस अल्फा, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल हैं तो हो जाएगा 270 प्लस 3 अल्फा जो कि हमारा आ रहा 180 से बड़ा विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, क्योंकि 180 से बड़ा हो रहा है जबकि ट्रेंगल का सम ही 180 होता है। 180 से बड़ा कैसे हो सकता है। इसलिए देयरफॉर अ ट्रेंगल हैविंग इक्वल एंगल्स कैन नॉट बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। इसके दूसरे में कह रहा है कि क्यूब द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो डज नॉट हैव अ रूट लाइन बिटवीन जीरो एंड टू। भाई इसको भी करते हैं। द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हैज द रूट एक्स इज इक्वल टू वन, इसका रूट वन आएगा विच लाइज बिटवीन जीरो एंड टू। Therefore, the given statement is not true। इसमें जो given statement है वो सही नहीं है। अब उसके बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है देखते हैं जरा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स इन ईच केस गिव अ वैलिड रीजन फॉर सेइंग सो। अच्छा इसका रीजन भी हमें देना है। तो यहाँ पर फिफ्थ का पहला
पी है, कह रहे हैं कि ईच रेडियस ऑफ ए सर्किल इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल, कह रहे हैं कि हर एक रेडियस ऑफ ए सर्किल जो है कॉर्ड होता है। ये सही है गलत है? गलत है, लेकिन ये फॉल्स क्यों गलत है? क्योंकि कॉर्ड के लिए जो है सर्किल के दो पॉइंट्स, सर्किल में दो पॉइंट्स होने चाहिए, उनका जो है जॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे द एंड पॉइंट्स ऑफ रेडियस डू नॉट लाई ऑन द सर्किल, देयरफॉर इट इज नॉट अ कॉर्ड। दूसरे इसमें क्या कह रहा है, क्यू द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड ऑफ द सर्किल, तो ये भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? फॉल्स, क्योंकि डायमीटर ही केवल बाइसेक्ट करते हैं सेंटर को। लिखेंगे फॉल्स, ओनली डायमीटर्स आर बाइसेक्टेड एट द सेंटर, अदर कॉर्ड्स डू नॉट पास थ्रू द सेंटर, देयरफॉर सेंटर कैन नॉट बाइसेक्ट देम। सेकेंड के बाद हमारा थर्ड पार्ट है, आर सर्किल इज अ पार्टिकुलर केस ऑफ एन एलिप्स, सर्किल जो है पार्टिकुलर केस है एलिप्स का। तो ये एकदम सही है, ट्रू, क्योंकि इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो होती है, एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये हो गया हमारा थर्ड। के बाद हमारा फोर्थ, ये भी आगे भी लिख सकते हैं कि अगर b इक्वल टू ए भी हो जाए, अगर b जो है a के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, यही चीज़ सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी ए स्क्वायर। तो थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट में है, इफ x एंड y आर इंटीजर सच दैट x ग्रेटर देन y देन माइनस x इज लेस देन माइनस y, तो ये सही है एकदम, ट्रू, बाय द रूल ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी if x and y are integers and x greater than y comma then minus x is less than minus y, it is example में अगर हम लोग देखें 3 greater than 2, अगर minus 1 से multiply करेंगे तो minus 3 minus 2 से छोटा हो जाएगा। और फिफ्थ है इसमें लास्ट, t equal to root 11 is a rational number, यहाँ लिखेंगे ये फॉल्स होगा, फॉल्स क्यों होगा कि 11 इज प्राइम नंबर, देयरफॉर रूट 11 इज इरेशनल, रूट 11 इज इरेशनल। ध्यान रखिएगा प्राइम नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, रूट 11 इज एन इरेशनल, यही हमारा आंसर हो गया। अब फिफ्थ के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसक्लेनियस पर, ये वाला एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है। मिसक्लेनियस में क्या कह रहा है ये देखते हैं, मिसक्लेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 14। इसमें कह रहे हैं राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पी फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स द नंबर एक्स माइनस वन इज आल्सो पॉजिटिव। आइए नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा मिसक्लेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। इसमें कह रहे हैं कि जो आपको पी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका निगेशन लिखिए। तो निगेशन के लिए सबसे पहले सिंबल ऐसे बनाएंगे, फिर लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉजिटिव रियल नंबर एक्स फॉर विच x माइनस वन इज नॉट पॉजिटिव। दूसरे पॉइंट में q all cats scratch, यहाँ लिखेंगे negation of q all cats do not scratch,
तीसरे में क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर एवरी रियल नंबर एक्स इज आइदर एक्स ग्रेटर देन वन और एक्स लेस देन वन, तो लिखेंगे निगेशन ऑफ आर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर एक्स सच डैट नाइदर एक्स ग्रेटर देन वन नॉर एक्स लेस देन वन। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, एस देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर एक्स सच डैट एक्स ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, तो यहाँ लिखेंगे निगेशन ऑफ एस देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नंबर such that x greater than 0 less than 1। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेट द कन्वर्स एंड कॉन्ट्रो पॉजिटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला इसमें कह रहा है पी में कि अ पॉजिटिव इंटीजर इज प्राइम ओनली इफ इट हैज नो डिवाइजर्स अदर देन वन इटसेल्फ, तो इसको लिखेंगे इसका कन्वर्स और कॉन्ट्रो पॉजिटिव में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे पहले में कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव को सी पी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, लिखेंगे इफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैज डिवाइजर अदर देन देन वन एंड इट्सेल्फ देन इट इज नॉट प्राइम। और कन्वर्स में क्या लिखेंगे, कन्वर्स इफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैज नो डिवाइजर अदर देन वन एंड इट्सेल्फ देन इट इज अ प्राइम, ये इसका कन्वर्स हो गया। सेकेंड में आपसे क्या कह रहा है, क्यू स्टेटमेंट है आई गो टू बीच वेन एवर इट इज अ सनी डे, तो यहाँ कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा इफ इट इज नॉट अ सनी डे देन आई डू नॉट गो टू बीच। और इसका कन्वर्स हो जाएगा, कन्वर्स में अगर लिखें इफ इट इज अ सनी डे देन आई गो टू बीच। थर्ड इसमें कह रहे हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका कि आर इज If it is hot outside, then you feel thirsty. यहाँ लिखेंगे If you do not feel thirsty, then it is not hot outside. और इसका कन्वर्स हो जाएगा If you feel question then it is hot outside, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं हम लोग, सेकेंड हो गया। थर्ड पे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है राइट ईच ऑफ द स्टेटमेंट इन द फॉर्म इफ पी देन क्यू। अच्छा पी और क्यू के फॉर्म में लिखना है, इफ पी देन क्यू के फॉर्म में। तो थर्ड का प्रथम है पी, इट इज नेसेसरी टू हैव पासवर्ड टू लॉग ऑन टू द सर्वर। यहाँ लिखेंगे इफ यू लॉग ऑन टू द सर्वर देन यू हैव अ पासवर्ड। दूसरा पॉइंट इसमें है इफ, दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं देयर इज अ ट्रैफिक जैम व्हेन एवर इट रेन्स, लेकिन इफ इट रेन्स
देन देयर इज अ ट्रैफिक जाम। थर्ड में आपसे क्या कह रहे हैं, यू कैन एक्सेस द वेबसाइट ओनली इफ यू पे अ सब्सक्रिप्शन फीस। तो यहाँ लिखेंगे इफ यू पे अ सब्सक्रिप्शन फी देन यू कैन एक्सेस देन यू कैन एक्सेस द वेबसाइट। इसके बाद थर्ड भी हो गया हमारा, थर्ड का थर्ड। अब फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ में आपसे क्या कह रहा है, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। तो इसमें जो है इफ एंड ओनली इफ का यूज करेंगे। तो यहाँ फोर्थ का पहला है, इफ यू वॉच टेलीविजन देन योर माइंड इज फ्री एंड इफ योर माइंड इज फ्री देन यू वॉच टेलीविजन। तो यहाँ लिखेंगे यू वॉच अ टेलीविजन इफ एंड ओनली इफ योर माइंड इज फ्री, योर माइंड इज फ्री। दूसरा इसमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, फॉर यू टू गेट एन ए ग्रेड इफ इट इज नेसेसरी एंड सफिशियंट डेट यू डू ऑल द होमवर्क रेगुलरली। तो यहाँ लिखेंगे यू गेट ए ग्रेड इफ एंड ओनली इफ यू डू ऑल द होमवर्क regularly। second के बाद third है, if a quadrilateral is equiangular then it is an rectangle, if a quadrilateral is a rectangle then it is an equiangular। तो यहाँ लिखेंगे a quadrilateral is equiangular if and only if it is a rectangle। यही हमारा आंसर हो गया फोर्थ का। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, फिफ्थ में कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, पी 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, क्यू 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट कनेक्टिंग दीज टू स्टेटमेंट्स विद एंड और इन बोथ केसेस चेक द वैलिडिटी ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो है फिफ्थ में पहला पार्ट अगर हम लोग देखें, कंपाउंड लिखेंगे कि टू स्टेटमेंट हमको पी और क्यू दिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट विद एंड। यहाँ लिखेंगे 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8। यहाँ लिखेंगे दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट सिंस पी एंड क्यू बोथ आर नॉट ट्रू। यहाँ लिखेंगे सिंस 25 इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 8। सेकेंड में यहाँ पर कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट विद और, लिखेंगे 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और इट इज अ मल्टीपल ऑफ 8। यहाँ लिखेंगे दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ में क्या कह रहा है जरा देखिए। सिक्स में कह रहा है चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो बाय द मेथड गिवन अगेंस्ट इट।
पी द सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड अ रेशनल नंबर इज इरेशनल बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड्स, और दूसरे में रियल नंबर एन ग्रेटर 3 एन स्क्वायर ग्रेटर देन 9 बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। आइए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सिक्स में पहले पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो लिखेंगे लेट रूट पी बी इरेशनल नंबर एंड क्यू बी रेशनल नंबर, देयर सम इज इक्वल टू क्यू प्लस रूट पी, लेट इट इज नॉट इरेशनल, देन इट इज अ रेशनल नंबर, डेट इज q प्लस रूट पी, दिस इज a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो रूट पी हो जाएगा a अपॉन b माइनस q, a अपॉन b माइनस q। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एल एच एस में रूट पी क्या है, एन इरेशनल नंबर, और आर एच एस में ए अपॉन बी माइनस क्यू अ रेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, तो यहाँ लिखेंगे इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। हेंस द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। अब आते हैं सिक्स्थ के सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ एन इज अ रियल नंबर विद एन ग्रेटर देन 3 देन एन स्क्वायर ग्रेटर देन 9 बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो यहाँ लिखेंगे लेट एन ग्रेटर देन 3 एंड एन स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 9। यहाँ लिखेंगे पुट एन इज इक्वल टू 3 प्लस पी एंड पी इज द एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो देयर फॉर इम्प्लाइज डेट एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस पी का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9 6 पी प्लस पी स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस पी, दिस इज 6 प्लस पी। तो यह हो जाएगा एन स्क्वायर ग्रेटर देन 9 विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। देयर फोर इफ एन ग्रेटर देन 3 देन एन स्क्वायर ग्रेटर देन 9। यही हो गया हमारा जो हमें लाना था। अब उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेवन्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन 5 डिफरेंट वेज कन्वेइंग द सेम मीनिंग, पी इफ ट्रेंगल इज इक्विएंगुलर देन इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। सेवन्थ को हम लोग 5 तरीके से लिखना है इसके स्टेटमेंट को, तो लिखते हैं इसमें। पहला स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे कि अ ट्रेंगल इज इक्वी एंगुलर इम्प्लाइज डैट इट इज एन ऑप्टूज एंगल ट्रेंगल। दूसरे में इसी को दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, अ ट्रेंगल इज इक्विएंगुलर ओनली इफ इट इज एन ऑप्टूज एंगल ट्रेंगल। तीसरे में क्या लिख सकते, फॉर अ ट्रेंगल टू बी इक्वी एंगुलर इट इज नेसेसरी डैट इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फोर्थ
मैं किस टाइप से लिख सकते हैं इसी स्टेटमेंट को, लिखेंगे फॉर अ ट्रायंगल टू बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, फॉर अ ट्रायंगल टू बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इट इज सफिशियंट दैट इट इज इक्विएंगुलर। और लास्ट है फिफ्थ में, इफ अ ट्रायंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इफ अ ट्रायंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देन इट इज नॉट एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल। तो एक ही स्टेटमेंट को इस टाइप से हम लोग पांच तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हो चुका है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।